फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंटल स्टडी, मतलब एक्सपेरिमेंट करके। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, हॉल वाच का पढ़ा, लेनार्ड का पढ़ा, उन दोनों ने जो भी काम करा उस काम को एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया गया, और उस एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बातों को इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया गया, और इस वर्क को धीरे 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 हम आइंस्टाइन के एक्सपेरिमेंट तक ले जाएंगे, या आइंस्टाइन की बताई हुई बातों तक इसे कनेक्ट करेंगे। समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो आप ये देख रहे हैं, ये बाउंड्री, ये केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में इसे पढ़ा हुआ है। इसे हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते थे एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में, जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट हुआ था एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसे हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। ये तो ठीक है, ये ग्लास का बना है या क्वार्ज का बना हुआ है, ठीक है जी। अब वो उसके बाद इसके अंदर एक विंडो रखा हुआ है, इस विंडो के सामने ये सोर्स रखा हुआ है यूवी रेज का, ये सोर्स है या रेडिएशन का। अभी आप यूवी रेज नहीं कहेंगे, किसी भी रेडिएशन के लिए रखा हुआ है, अभी नाम नहीं लेते उसका, हम बाद में नाम लेंगे। ये सोर्स है, रेडिएशन है, ये विंडो है, यहाँ से रेडिएशन आएगी, इस प्लेट पे डलेगा। ये जो लाइन आपको दिख रहा है ये फोटो सेंसेटिव प्लेट है, यहाँ लिखा हुआ देखो, सी इज ए कैथोड एंड इज फोटो सेंसेटिव प्लेट, दैट मीन्स लाइट व्हेन फॉल्स ऑन दिस प्लेट इट एजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन, ऐसा प्लेट लिया हुआ है, फोटो सेंसेटिव प्लेट है। उसके बाद यहाँ से रेडिएशन इस तरफ आया, ऐसे लाइक दैट रेडिएशन कम्स टू इन दिस वे, ठीक है जी। उसके बाद ए इज एनोड, एनोड मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कैसे पॉजिटिव डेवलप किया, तो यहाँ पे देखो HTB हाई टेंशन बैटरी यहाँ लगाया हुआ है, इसके पॉजिटिव पोल ये है, नेगेटिव पोल ये है। पॉजिटिव पोल से ऐसे देखो, यहाँ पे आया वैल्यू, पोटेंशियल यहाँ आया, उस पोटेंशियल को मैंने इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, उसके लिए हमने यहाँ पे रियोस्टेट लगाया हुआ है। इसको कहीं कहीं लिखा जाता है पोटेंशियल डिवाइडर, RH को, रियोस्टेट को पोटेंशियल डिवाइडर बोला जाता है। इस पोटेंशियल डिवाइडर के हेल्प से यहाँ से पोटेंशियल सप्लाई होता हुआ यहाँ आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, अभी हमेशा रहेगा ऐसा नहीं है, और अभी इस तरफ से चलता हुआ ऐसे इधर से नेगेटिव आ गया। हमने इस सी के कनेक्शन को देखो, ये क्रॉसिंग है, दोनों वायर ज्वाइंट नहीं है, अलग अलग है, ये क्रॉसिंग ऑफ वायर है, इसको रियोस्टेट के मिड पॉइंट में लगाते हैं। इस एंड पॉइंट पे और इस एंड पॉइंट पे कितना वोल्टेज डेवलप है उसको हम यहाँ वोल्ट मीटर V से मेजर करते हैं। ये समझ में आ गया, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। ये हुआ इसका कंस्ट्रक्टिव डायग्राम। अब हमें क्या करना है, आपको दो तीन बातें समझनी है। नंबर वन पे क्या समझना है, इंटेंसिटी और उससे बनने वाला करंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी, पहले तो ये समझना, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। इंटेंसिटी मीन्स होता है, इसमें से अब इनकी जरूरत तो नहीं है, इन्हें तो हटा दूं ना, तो मैं इन्हें हटा देता हूं। अब ये फोटोसिंथेटिव हो गया, एनोड हो गया, विंडो हो गया, ये यहाँ से देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होगा और एनोड के द्वारा कलेक्ट कर लिया जाएगा, ये सब आपने देख लिया। हाई टेंशन बैटरी है, ये समझ में आ गया, HTV कोई प्रॉब्लम नहीं, और वी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला वोल्ट मीटर है, ये भी प्रॉब्लम नहीं,
आर एच रियोस्टेट है जिन्हें हम पोटेंशियल डिवाइडर कह रहे हैं, ठीक है जी। अब एक चीज ध्यान से सुनो, दो इसकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को समझना है, उसको अच्छे से समझ लेना है। इस लैंग्वेज में सबसे पहले एक वर्ड यूज होगा, वो है इंटेंसिटी। एक वर्ड यूज होगा इसमें, वो है इंटेंसिटी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिटी, एक तो आपको ये समझना है और दूसरा समझना है फ्रीक्वेंसी। ये दो वर्ड समझने हैं, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो इंटेंसिटी मींस होता है, जनरल लैंग्वेज में फिजिक्स से बाहर आकर कहोगे तो जनरल लैंग्वेज में इंटेंसिटी मींस क्वांटिटी ऑफ लाइट, ठीक है जी। इंटेंसिटी के मीनिंग क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ लाइट। ये मैं सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूँ, हो सकता है अप्रोप्रिएट वर्ड ना बनता हो, पर सेंस वही है, क्वांटिटी ऑफ लाइट। इसको और भी क्लियर करो तो ऐसा कह लो कि हमने एक 10 वाट का येलो कलर का बल्ब लगाया, 10 वाट येलो कलर, और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं उसकी रे को गिन पाता, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर मैं गिन पाता, तो मैंने ऐसा काउंट करा तो 100 रेज निकला उसके, 10 वाट वाले येलो कलर वाले, कलर फिक्स है येलो कलर 10 वाट और 100 रे निकला, तो इंटेंसिटी कितनी हुई 100। अब मैंने उसको कर दिया 60 वाट कर दिया, कलर वही रहने दिया येलो कलर, तो अब उससे मैं यूं मान रहा हूं कि जो रे निकल रही उसे भी काउंट कर लेता हूं समझने के लिए, तो अब उसमें से 600 रे निकल रहा है, तो मैंने इंटेंसिटी कहाँ कर दिया 100 से 600, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी। लेकिन कलर क्या है, पहले भी येलो था अभी भी येलो है, तो कलर हमारा फिक्स है। तो फिक्स कलर का मतलब क्या है, तो हमने पढ़ा हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में एक स्पेक्ट्रम पढ़ाई होती थी, व्हाइट कलर की अपनी वेवलेंथ और अपनी फ्रीक्वेंसी थी, व्हाइट कलर में भी 7 कलर हैं, सबके अपने फ्रीक्वेंसी और अपने कलर थे। यानी अगर मैं कलर सेम रखता हूँ, अगर मैं सेम कलर रखता हूँ, सेम कलर मींस सेम फ्रीक्वेंसी, सेम कलर मींस सेम फ्रीक्वेंसी, नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ये सब इनके वर्ड हैं। और जब मैं पावर चेंज करता हूँ 10 वाट टू 60 वाट, तो मैं इंटेंसिटी चेंज करता हूँ 60 वाट टू 100 वाट, तो मैं इंटेंसिटी चेंज करता हूँ। तो इंटेंसिटी वर्ड समझ में आया, इसे सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में यूँ सोच लो कि बल्ब से आने वाली लाइट को मैं काउंट कर पाता, तो 10 वाट में 100 रेज, 60 वाट में 600 रेज, समझने के लिए सिर्फ है, रियल नहीं है। 100 वाट में 1000 रेज, दैट रेज आर कॉल्ड इंटेंसिटी, और उनकी जो फिक्स फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि हर बार येलो कलर ले रहा हूँ तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो गई। ये बात समझ में आ गया, तब मैं इनके अंदर तीन एक्सपेरिमेंट करूँगा, उसमें से मैं अब आपको पहले नंबर का एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ, जिन्हें कहा जाता है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी वर्ड समझ में आया, अब तो प्रॉब्लम नहीं है इंटेंसिटी वर्ड में। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किसका हम स्टार्ट करते हैं, दैट एक्सपेरिमेंट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो टॉपिक यहाँ पे लिख दो, क्या लिखोगे, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी और किसका, ऑफ लाइट।
मैं क्या करता हूं, पहले यहां पे इस सोर्स को भी, अब आपको समझ में आ गया, यहां से लाइट डाला जाएगा। इसमें लिखने के कम समझने के ज्यादा हैं। मैं यहां 10 वाट लेता हूं और येलो कलर लेता हूं, तो बताइए मैंने क्या करा है। 10 वाट इज रिप्रेजेंटेड बाय, या 10 वाट रिप्रेजेंट्स इंटेंसिटी एंड येलो कलर रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी। ये समझ में आ गया। अब इसका कोई फ्रीक्वेंसी बनता होगा, या तो आप केमिस्ट्री की बुक से देखो, अपना याद रखो, या दिमाग में एक फिगर इमेजिन करो कि इस वैल्यू की इसकी फ्रीक्वेंसी है। और 10 वाट इंटेंसिटी है, मान लो कि 100 लाइट डलता, 100 रेज डलता है। हाँ, एक बात और बताऊंगा इन सभी एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले, वो वर्ड क्या है। एक तो है फोटोन, इसे आप 11th से ही जानते हैं, पहचानते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी है। ये पैकेट ऑफ एनर्जी प्लैंक्स ने बताया था इसकी जरूरत है हमें, और वो होता है h न्यू। प्लैंक्स ने बताया और उसको कहा, प्लैंक्स ने बताया एनर्जी इक्वल टू h न्यू। तो गौर से देखो, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हुआ। व्हाई? बिकॉज h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है h, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी। वर्ड को पहले समझो, फिर एक्सपेरिमेंट करेंगे। यानी अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा तो एनर्जी इंक्रीज होगी, और अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करूंगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी। ये बात समझ में आया। और इस फ्रीक्वेंसी को मैंने किससे लिखा है, कलर से लिखा है। यानी अगर मैं कलर चेंज कर करूंगा तो क्या चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो क्या चेंज हो जाएगा, एनर्जी। किसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी, फोटोन की। ये बात पक्का हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इंटेंसिटी पक्का हो गया। फ्रीक्वेंसी कैसे लेना ये समझ में आ गया, फ्रीक्वेंसी कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा ये समझ में आ गया, इंटेंसिटी कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा ये समझ में आ गया। यानी मैं ये पावर बदलता रहूंगा तो इंटेंसिटी बदलता रहेगा, कलर बदलता रहूंगा तो फ्रीक्वेंसी बदलता रहेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी बदला तो फोटोन की एनर्जी बदल जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात, इसको हटाइए, अब सेकेंड थिंग सोचिए। एक होता है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब मैं इसमें फिजिक्स ढूंढूं, उससे पहले थ्रेशहोल्ड वर्ड को पकड़ो। तो थ्रेश इंग्लिश में थ्रेसिंग वर्ड से आया हुआ है। थ्रेसिंग शब्द का मतलब होता है मारना, पीटना, मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो मारने का काम करेगी। किसको मारना है, तो अभी आपने इसको क्या पढ़ा, फोटोसेंसेटिव मेटल है। तो यहां से वो फ्रीक्वेंसी आएगी जो इस पे इलेक्ट्रॉन को मारेगी, मारेगी मतलब एनर्जी दे देगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा, एजेक्ट हो जाएगा। तो उसमें इसका क्या रोल है, तो देखो हमारे पास जितने भी रेडिएशन हैं सबके अपने अपने फ्रीक्वेंसी हैं, किसी का कम किसी का ज्यादा किसी का बहुत ज्यादा। एक बात हुई, हमने इस चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है मेटल के सरफेस, ये है मेटल का सरफेस, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये हमने पढ़ा हुआ है। वो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पा रहा, क्यों नहीं आ पा रहा, क्योंकि उसको एयर की डायलैक्टिक रोक के रखता है और एक पोटेंशियल बैरियर रोक के रखता है, ये भी पढ़ा हुआ है। उसके लिए इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ये भी पढ़ा हुआ है। जब हम वो एनर्जी दे देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ये पहले पढ़ा हुआ है। माने इसमें से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, जितनी भी लाइट है सबके पास फ्रीक्वेंसी है, तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए सपोज दैट 100 जूल चाहिए, और अगर मैं कोई फोटोन ऐसा डाल रहा हूँ जिसकी एनर्जी 90 जूल है,
तो मैं सुबह से शाम तक डालता रहूं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि 100 पूरा होगा नहीं और वो बाहर आएगा नहीं। तो मुझे कैसी फ्रीक्वेंसी डालनी है, कौन सी एनर्जी डालना है, कौन सा फोटोन डालना है? कम से कम वो फोटोन डालना है जिसके पास मिनिमम एटलीस्ट कितनी एनर्जी होनी चाहिए, 100 की होनी चाहिए। उससे ज़्यादा की हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम की है तो कोई काम नहीं करेगा। सच फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स द फोटोन हैज मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी टू एजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। द फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन विच इज एबल टू एजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये पक्का हो गया, यानी चार वर्ड आपको पक्के समझ में आने चाहिए। जब समझ में आएगा, एक तो इंटेंसिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं, पावर बदलिए इंटेंसिटी चेंज होगा, कलर बदलिए फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट रिलेटेड टू एनर्जी, E इक्वल टू एच न्यू पढ़ लिया, फ्रीक्वेंसी बदलूंगा एनर्जी बदल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसके मीनिंग ये हुआ कि यहाँ से जो भी लाइट डाली जाएगी उस लाइट के पास कितनी एनर्जी हो या उस लाइट की कितनी फ्रीक्वेंसी हो तो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो। ये समझ में आ गया। ये चार वर्ड हर एक्सपेरिमेंट में, तीन एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, हर एक्सपेरिमेंट में आपको आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं पहले नंबर का स्टार्ट करता हूँ, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, मतलब क्वांटिटी ऑफ लाइट हैविंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एट लीस्ट, कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसके पास है, उससे नीचे वाले की बात हम नहीं कर रहे। ज़्यादा है तो और बढ़िया है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़िए और अब सोचिए, 10 वाट के डाल रहे हैं, मतलब इंटेंसिटी कितना, अभी रफ वर्क समझते हैं, रफली समझते हैं, बाद में क्लियर समझ। देखो एक तरफ मैं इंटेंसिटी लिखता हूँ, इंटेंसिटी, और एक तरफ मैं लिखता हूँ करंट या इलेक्ट्रॉन। अब इतना पक्का पता है कि इसके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये तो पक्का पता है ना। अब सोचो जब मैं, अच्छा और फ्रीक्वेंसी कितना करा हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी आपने फिक्स करा हुआ है, किस पे, येलो कलर पे फिक्स करा हुआ है, तो ये आप बदलेंगे नहीं, ये कंडीशन है। अब मैं 10 वाट वाला डाल रहा हूं, अपना लैंग्वेज लगाओ समझने के लिए, बाद में आप इसे लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे। यानी मैं कितनी रे सोच रहा हूं, 100 रे सोच रहा हूं, जिसके अंदर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी अवेलेबल है, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाली येलो कलर वाली 100 रे इस पे डाला, यानी इसके ऊपर डाला, यहां गिरा, ठीक है। अब सोचो अगर ये 100 के 100 यहां डाला तो कंपलसरी है क्या कि वो 100 इलेक्ट्रॉन पे ही डाला? नहीं कंपलसरी है। जैसे एक कहानी बताता हूं, फूलों की क्यारी है जिनमें छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं, मैं मोटर से पानी डालूंगा, पाइप ले जाता हूं, क्यारी में छोड़ देता हूं, मोटर चला देता हूं और स्पीड में चला देता हूं, बहुत तेज पानी जाता है, क्या फूल का पौधा अपरूट होगा, उखड़ जाएगा? कंपलसरी है, बेहद कम या ना के बराबर। लेकिन अगर मेरे पास एक ऐसा मोटर है जिसके अंदर पानी का इतना इतना पैकेट बनाता हूँ, बैलून में डालता हूँ, किसी पैकेट में डालता हूँ, पानी की इतनी इतनी डालता हूँ, और वो 200 मीटर दूर से बंदूक के गोली की तरह 200 मीटर दूर से वो मोटर उस पानी के पैकेट को उस क्यारी में डालता है,
तो उसमें मोमेंटम होगा, एनर्जी आएगी, वेलोसिटी बनेगा, काइनेटिक एनर्जी होगी। क्या इस फोटोन में ऐसा ही है? फोटोन इज जस्ट पैकेट ऑफ बैलून वाटर कंटेनिंग वाटर, पैकेट ऑफ बैलून कंटेनिंग वाटर, वो फोटोन हो गया। हमने उसको एक मशीन में डाला जो बंदूक की तरह मशीन है, उसको चला दिया तो उस पानी के पैकेट में वेलोसिटी आ गई। वो वेलोसिटी क्या करेगा? क्यारी में जाके गिरेगा सारा पैकेट। कितने पैकेट डाले हमने? 100 पैकेट डाले। 100 के 100 पैकेट जाकर क्यारी में गिरेगा। जरूरी नहीं है कि सारा पैकेट उस फूल के जड़ में जाकर गिरा हो, ये कंपलसरी नहीं है। कोई नहीं कह सकता, इस बात की गारंटी नहीं लेगा। जैसे ये चार पौधे हैं, एक पैकेट यहाँ बीच में गिरा, वो पैकेट क्या करेगा? अपनी मोमेंटम का, अपनी काइनेटिक एनर्जी का कुछ भी नहीं करेगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन एक पैकेट यहाँ गिरा, इस पौधे के जड़ में गिरा, तो कंपलसरी है कि उस पैकेट में जितनी मोमेंटम है वो सब इस जड़ में लगा। इसकी वजह से ये पौधा अपरूट हो जाएगा। आया समझ में? तो वो बैलून का जो पैकेट है वो मेरा फोटोन है, जिसके पास कम से कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ये भी समझ में आ गया। उसको मैं उसी गन वाले मशीन की तरह यहाँ से छोड़ता हूँ और इस पे डालता हूँ। पौधे की तरह ये इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है इस प्लेट के अंदर। अब वो 100 के 100 फोटोन इस प्लेट पे डाला। डलने के बाद जहाँ इलेक्ट्रॉन होगा, अगर उस जगह डला होगा तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं रहा होगा वहाँ से नहीं निकलेगा। ठीक है जी। अभी आपने क्या देखा कि अब अगर ये सारे फोटोन, यानी देयर इज 100 फोटोन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वाला है, सारे फोटोन इलेक्ट्रॉन के पास ही गिरेगा, ये कंपलसरी नहीं है। जिस पे जहाँ इलेक्ट्रॉन है वहाँ गिरेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट हो जाएगा, ये कंपलसरी है। ठीक है जी, क्योंकि थ्रेशोल्ड वाला है, निकल गया बाहर वो इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी बात, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकला, हमने यहाँ से क्या करा हुआ, इसको नेगेटिव दिया हुआ और इसको क्या दिया हुआ, पॉजिटिव। ठीक, ये जो नेगेटिव दिया हुआ वो इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, वो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और ये पॉजिटिव अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इधर आ जाएगा। ये समझ में आया? मान लीजिए इस 100 फोटोन से मैं सोच रहा हूं कि 40 इलेक्ट्रॉन निकलाओ, समझने के लिए ये फिगर ले रहा हूं, रियल नहीं है। 40 इलेक्ट्रॉन निकला, वो यहां पे आया ए पे, उस 40 इलेक्ट्रॉन को आने के बाद यहां पे कुछ करंट बना, माइक्रो एमिटर में रीडिंग आया होगा, मान लो 0.1 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, एक सेट हो गया एक्सपेरिमेंट का। अब हमने क्या करा, इस 110 वाट को बदल के मैंने 20 वाट कर दिया, 10 वाट को बदला और कितना कर दिया, 20 वाट, और किस कलर का कर दिया, येलो कलर का कर दिया। तो येलो कलर करने के मतलब, इधर देखो, येलो कलर करने के मीनिंग क्या, मैंने उसका फ्रीक्वेंसी चेंज किया, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया, येलो कलर की फ्रीक्वेंसी फिक्स है। यानी ये वाला फोटोन जब डल रहा था तब भी उतने ही एनर्जी की डल रही थी, और जब ये वाला फ्रीक्वेंसी डाल रहा हूँ मैं, ये वाला डाल रहा हूँ इंटेंसिटी, तब भी उतने ही फ्रीक्वेंसी की डल रही है फोटोन, एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बदला। ये बात ठीक है? पहले के फोटोन की एनर्जी और अब के फोटोन की एनर्जी दोनों बराबर है, लेकिन एक चीज बदल गया। क्या ये दोनों में सेम है, ये फिक्स है, या सेम कह लो या फिक्स कह लो, इसको हम नहीं बदल रहे, ये फिक्स।
फिक्स है, ये भी फिक्स है। अब अगर मैंने 20 वाट का डाला तो एक बात तो कंपलसरी है कि मैंने नंबर ऑफ रेज की तरह अगर मेरे को समझ में आता है तो, अगर इसमें 100 रेज था तो इसमें 200 रेज है। अगर ये 100 फोटोन रिलीज कर रहा था तो ये 200 फोटोन रिलीज कर रहा है। और अगर इसमें फोटोन की एनर्जी मान लो कि 100 जूल था एक फोटोन, कैसा होगा नहीं, मान लो समझने के लिए एज्यूम कर लो कि 100 जूल थी, तो इसमें भी हर फोटोन की एनर्जी कितनी है, 100 जूल ही है। व्हाई? बिकॉज कलर इज येलो। ये समझ में आ गया। अब फिर वो अब यहाँ पे 200 फोटोन डल रहा है, मान लो हर सेकंड डल रहा है, बंदूक से 200 गोलियां निकल रही हैं एक बार, पहले कितनी निकल रही थी 100, उस बंदूक से अब 200 गोली निकल रही है। अब उस क्यारी पे 200 पैकेट डल रहे हैं, तो पहले से ज्यादा पौधा अपरूट होगा या कम? ज्यादा होगा। पहले से अब ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपरूट होंगे, ये तो पक्का हो गया ना। यानी यहां से अब पहले से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपरूट होगा, यानी अब मैं मान सकता हूं कि 80 इलेक्ट्रॉन अपरूट हुआ होगा। अब अगर 40 इलेक्ट्रॉन की वजह से 0.1 माइक्रो एम्पियर की करंट बना था तो अब 0.2 माइक्रो एम्पियर की करंट बनेगा, ये ठीक है, यानी यहाँ पे करंट की रीडिंग बढ़ गई। इसी तरह हमने क्या करा, अब यहाँ पे 30 वाट का कर दिया, 30 वाट का येलो कलर का, येलो कलर करने का मतलब क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी मैंने इसके फिक्स कर दिए, यानी जितने एनर्जी की फोटोन ये वाली थी उतने ही एनर्जी की फोटोन 200 वाला भी है, उतने ही एनर्जी का अगर मैंने 30 वाट करा, ये वाला मैंने फिक्स किया 30 वाट किया, तो इससे 300 सपोज दैट की फोटोन रिलीज हो रहा पर सेकंड। समझने के लिए, ये सारे गलत फिगर हैं, मैं सिर्फ समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ। तो क्या अब 120 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और वो 120 इलेक्ट्रॉन अब सपोज करो कि 0.3 माइक्रो एम्पियर का करंट बनाएगा, आया समझ में? तो मैं क्या देख रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी तो मैंने फिक्स रखा हुआ है, जैसे जैसे मैं पावर चेंज करता हूं यानी इंटेंसिटी बदलता जा रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रहा है और करंट भी इंक्रीज हो रहा है। या मैं उल्टा चलूं, इंटेंसिटी घटाता जा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन भी घटता जा रहा है और करंट भी घटता जा रहा है। इसके मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी फिक्स रखूंगा और थ्रेशहोल्ड से बराबर का या ज्यादा का, कम का नहीं रखूंगा, ये पहले बता दिया था, अगर मैं ये फ्रीक्वेंसी फिक्स रखूंगा तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो रही है और करंट भी इंक्रीज हो रहा है, इंटेंसिटी डिक्रीज करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी डिक्रीज हो रहा है और करंट भी डिक्रीज हो रहा है। इतना समझ में आया? इससे मेरे दिमाग को क्या समझ में आया, तो एक बात समझ में आया कि ऑन चेंजिंग इंटेंसिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस। तो पहला रूल बन गया ना कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इंटेंसिटी। पहला रूल नोट करना है, नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इंटेंसिटी। नोट कर लिया, नंबर ऑफ एजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। फर्स्ट रूल निकल के आया, सेकंड रूल निकल के क्या आया, सेकंड रूल आया कि इफ करंट का रिलेशन देखो इंटेंसिटी से, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी
करंट यानी फोटो करंट आल्सो इंक्रीजेस। सेकंड रूल कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ, इसको हटा के लिख देता हूँ। सेकंड रूल मेरे पास आया फोटो, सीधा सीधा छोटा लिखता हूँ, फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ये दो रूल पक्के हो गए। अब इनका कहेगा मेरे को ग्राफ बना के दिखा दो, तो मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। दोनों याद रखना है, आगे जरूरत होगा इन दोनों रूल का। ग्राफ बना के दिखा दो, तो मैं ग्राफ बनाता हूँ। देखिए ग्राफ कैसा बना, एक तरफ मैं इंटेंसिटी दिखाऊंगा और एक तरफ मैं करंट दिखाऊंगा, ठीक है जी। यहाँ देख लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे मैं इंटेंसिटी दिखाता हूँ, तो मैं वाई एक्सिस पे क्या दिखाऊंगा, तो वाई एक्सिस पे मैं फोटो करंट दिखाऊंगा, फोटो करंट। वाई एक्सिस पे फोटो करंट, एक्स एक्सिस पे इंटेंसिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था या इन्वर्सली था, डायरेक्टली था ना, तो डायरेक्टली का ग्राफ कैसा बना, लीनियर। डायरेक्टली का ग्राफ कैसा बनता है, लीनियर बनता है। ये हमारा लीनियर ग्राफ बना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना, जो डायरेक्टली को रिप्रेजेंट करता है। ये इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी था।